हेलो फ्रेंड्स, मेरे रोज़ ग्लो चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे से होंगे अपने अपने घरों में और बहुत हैप्पी होंगे और अपनी स्किन का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज जो मैं DIY आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है एक एक्ने सीरम। एक्ने की समस्या नेचुरली टीनएजर्स को बहुत ज़्यादा होती है और कई बार इस तरीके के पिंपल्स होते हैं जो बाद में निशान छोड़ जाते हैं। तो एक ऐसा एक्ने सीरम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसको यूज़ करने से रेगुलरली यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल चीज़ें रेगुलरली ही यूज़ की जाती हैं। तो अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करेंगे और ख़ास तौर से इसका इस्तेमाल नाइट में करेंगे तो डेफिनेटली पिंपल्स तो ख़त्म होंगे होंगे। पिंपल्स के बाद जो उनके स्कार्स रह जाते हैं या किसी तरीके के जो दाग धब्बे स्किन के ऊपर रह जाते हैं वो फिनिश हो जाएंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देती हूँ कि मैं किन किन चीज़ों का इस्तेमाल इस DIY में कर रही हूँ। तो मैं नीम का इस्तेमाल इस DIY में कर रही हूँ, साथ में मैं मिंट, साथ में मैं कुकुम्बर, इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ जो बहुत ही बढ़िया होते हैं एक्ने के लिए। नीम अपने आप में एंटीसेप्टिक होता है, एक हीलिंग प्रॉपर्टीज से भरा हुआ होता है। और मिंट आपको ठंडक देगा, एंटी एजिंग का काम भी करेगा, साथ ही साथ कुकुम्बर एक सूदिंग इफेक्ट देगा, हाइड्रेशन देगा आपकी स्किन को। तो ये तीनों ही जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कमाल। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इसका रेगुलरली इस्तेमाल रोज़ाना रात में करेंगे, डे में नहीं कर पाते कोई प्रॉब्लम नहीं है, रात में फेस को अच्छे से क्लीन कर करके अगर आप इस DIY का इस्तेमाल रोज़ाना करेंगे तो डेफिनेटली आपके पिंपल्स कुछ ही दिन में गायब होना शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए, मैंने एक तैयार भी आप लोगों के लिए करके रखा है। ये देखिए, एक्ने सीरम मैंने इसको नाम दिया है और मैं पहले इसका यूज़ करके आप लोगों को दिखाऊंगी और उसके बाद मैं आपको बनाने का इसको तरीका बताऊंगी। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का है, ये ऐसे गाढ़ा है सीरम की तरह। और बस आपको कुछ नहीं करना, जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स हों उस जगह पे इस तरीके से आपको अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद इसको छोड़ देना है। यूँ इस तरीके से आपको अप्लाई करके कॉटन की मदद से जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स हैं, मेरे तो खैर है नहीं पर मैं आपको करके दिखा रही हूँ, तो आपके इफेक्टिव एरियाज हैं उस पर आप बहुत अच्छे से इसको अप्लाई करेंगे और बहुत सूदिंग इफेक्ट दे रहा है ये। स्किन पे लगाते ही इतना अच्छा फील हो रहा है ना मुझे, स्किन पे ठंडक सी फील हो रही है। तो इन मैजिक इंग्रेडिएंट्स के साथ जो ये सीरम मैंने बनाया है, आइए देखते हैं इसको मैंने किस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें नीम लेना है और पुदीना। अगर आप थोड़े बैच में तैयार कर रहे हैं तो भी, और अगर बड़े बैच में तैयार कर रहे हैं तो भी, बराबर की क्वांटिटी में दोनों चीज़ों को लीजिएगा और आपस में ऐसे इस तरीके से मिक्स करके किसी स्ट्रेनर में डाल करके इसको अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। और वॉश करने के बाद में इसको किसी पतीले में डाल करके एक गिलास पानी के साथ बॉईल करने के लिए रख दीजिएगा। सेम आँच पर हम इसको बॉईल करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरीके से छोड़ देंगे। जब ये पानी आधा रह जाएगा, मतलब एक का आधा गिलास रह जाएगा, तब हम इसको निकाल लेंगे और इस तरीके से ग्राइंडर में इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से मैं एक स्मूथ पेस्ट इसका बना लिया है मैंने, आप देख पा रहे होंगे सारे जूसेस, सारे एक्सट्रैक्ट्स निकल करके इस पेस्ट के अंदर आ गए हैं और ये लिक्विड ही है थोड़ा सा। अब मैं इसको आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। आपको 5 चम्मच के करीब ये मिंट और जो नीम का जूस हमने बनाया है इसको लेना है, ये पूरे 5 स्पून आपको लेने हैं। साथ में मैंने कुकुम्बर का जूस भी निकाल के रखा है, कद्दूकस करके जूस निकाल लिया था, तो ये 5 चम्मच आपको कुकुम्बर जूस भी इसमें ऐड ऑन करना है। और ऐड ऑन करने के बाद में आप इसमें ऐड करेंगे गुलाब जल। अब गुलाब जल आप कोई भी ले सकते हैं, घर का बना हुआ भी, बाज़ार वाला भी। गुलाब जल का आप 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल, 2 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे क्योंकि एलोवेरा जेल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अब एलोवेरा जेल भी आप कोई भी ले सकते हैं, मार्केट वाला या बिल्कुल फ्रेश अगर आपके पास अवेलेबल हो, आप उसका इस्तेमाल भी बड़ी आसानी से इस DIY सीरम में कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारी चीज़ों को डाल लिया है और अब दोबारा से हम इसको कर रहे हैं अच्छे से मिक्स। और मिक्स करने के बाद में हम इसमें डालेंगे 1 विटामिन ई का कैप्सूल और टी ट्री एसेंशियल ऑयल पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है। तो 8 से 10 बूंदे आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल की भी इसमें ऐड कर दीजिए और बस अब हमारा सीरम बनके रेडी हो गया। इसको किसी भी कांच की बॉटल में डाल लीजिए
और इसको फ्रिज में बड़े आराम से आप 3 to 5 days के लिए रख सकते हैं और आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स कितना इजी है इस सीरम को बनाना और कितनी इजीली तैयार हो जाता है इस सीरम। फ्रेंड्स अगर आप इस सीरम को डे टाइम में यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस सीरम को फेस पे लगा करके 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, जब ये सूख जाए उसके बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कीजिए। और अगर नाइट में इसका इस्तेमाल करते हैं तो सुबह मॉइस्चराइज़ ज़रूर कीजिए अपनी स्किन को, क्योंकि नीम थोड़ा सा ड्राइनेस स्किन पे लाती है, तो इसलिए आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ही बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप इसके छोटे छोटे बैचेस बनाइए, बहुत बड़े बैचेस में इसको नहीं बनाइए, क्योंकि हमने जूसेस का इस्तेमाल किया है और अगर आप रेफ्रिजरेट करके भी रखेंगे तो 1 हफ्ते से ज़्यादा ये आपको काम नहीं देगा, वो क्वालिटी नहीं रह जाएगी इसकी। तो आप इसको छोटे छोटे बैचेस में बनाइए, 3-4 days का बना के रख लीजिए, एक कांच की बॉटल में यूज़ कर लिया और फिर 3-4 days बाद फिर दोबारा से बनाया। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का DIY आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा और डेफिनेटली आपकी पिंपल्स की समस्या इससे बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो इसी वादे के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक लेना खूब खूब ध्यान, खूब सारा पानी पीजिए, हेल्दी हेल्दी चीज़ें खाइए, अपनी स्किन का रखिए बहुत ध्यान और पॉजिटिव रहिए। टेक केयर, बाय बाय।